बांदा में गहराए पेयजल संकट को लेकर लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। पानी की किल्लत को लेकर आए दिन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत आक्रोशित लोगों ने सर में खाली मटके रख कर नदी के किनारे प्रदर्शन किया और बांदा DM पानी दो के नारे लगाकर पानी की समस्या जल्द दूर करने की मांग की। बालू खदान के किनारे नदी में प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जहां मौके पर मौजूद तहसीलदार के माध्यम से समाज सेवियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। समस्या का समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस दौरान बुंदेलखंड इंसाफ सेना के अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट बाय राम कृपाल, समाचार इंडिया न्यूज, बांदा। ये पेयजल जो संकट हुआ है उसको लेकर दिया है हमारे हैं और इसके लिए पूरा प्रशासन इसी पे काम कर रहा है। हम लोग क्या नदी किनारे खड़े हुए हैं, देख रहे हैं लगातार जो भी पानी का जल बहाव डिस्टर्ब हुआ था उसको ही खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे। और कल DM सर ने भी पूरा शहर का भ्रमण किया हुआ है और वो 175 कुएँ जो चिन्हित किए गए हैं उनकी सफाई के लिए नगर पालिका और जल संस्थान सभी लोग तत्पर हैं और तेजी से ही ये जो जल पेयजल संकट हुआ है उसका निवारण तेजी से। देखिए, शासन और प्रशासन इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बांदा ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है। ये दसियों साल से ये मामला चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो शासन और प्रशासन द्वारा एक भी किसी भी तरीके का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। आज पूरा बांदा, पूरा बुंदेलखंड बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अगर इसके खिलाफ अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, पानी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो बांदा बुंदेलखंड एक रेगिस्तान बन सकता है। इसलिए हम लोग बांदा प्रशासन के माध्यम से हम लोगों ने आज ये मांग की है कि जिस तरीके से आप लोगों ने मतदान के लिए पूरी आप लोगों ने जान की बाजी लगा दी थी, ठीक इसी तरीके से आप लोग भी पानी के मुद्दे को उठाइए ताकि जो बांदा की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है तो ये तरसना इनके लिए बंद हो जाए और घर घर तक पानी पहुंच जाए। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने के लिए प्रशासन के सामने आए। कहाँ आए थे? ये केन नदी का खदान है, वहीं पे यहाँ प्रशासन काम हालांकि करवा रहा है हर तरीके से पूरा मामला पानी के लिए, तो हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए। क्या लगता है कि पानी की जो समस्या हुई है उसका उनके मुख्य कारण क्या है, क्या हो सकते हैं? इसलिए कि इस मामले को गंभीरता से प्रशासन ने नहीं लिया, न तो शासन ने लिया। काश अगर इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, जिस तरीके से बांदा की जनता जो दर बदर की ठोकरें खा रही है और हम लोग को रोड पर उतरना पड़ रहा है, ये हम लोग की मजबूरी है। सिर्फ सिर्फ बांदा की जनता के लिए हम लोग जो है हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इस आवाज़ को हम लोग बुलंद करें ताकि शासन प्रशासन जो जल्दी से कोई ना कोई बड़ा ठोस कदम उठा सके और यहाँ की जो जनता की समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो सके।